हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए चावल चना दाल से बनी एक रेसिपी लेकर आई हूं, जो नमकीन है मगर बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे आप लोग शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं और रात में खाने पर भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने 4 कप चावल लिया था और उससे आधा चना दाल लिया था, धो के अच्छी तरह रात भर मैंने सोक कर दिया था और उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है। सुबह ग्राइंड करने के बाद, इसे फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सुबह मैंने इसे ग्राइंड कर लिया। अब इसके बाद इसमें मैं जीरा डाल रही हूँ फ्रेंड्स, और जीरा और नमक डालना है। बस जीरा और नमक डाल के मैं इसे अच्छी तरह से फेंट दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी हल्की हल्की फुल्की बने तो आप इसमें 1 चम्मच चावल और दाल को जब भिगो रहे हैं तो 1 चम्मच उड़द का दाल भी डाल दीजिए, उससे भी ये बहुत अच्छी बनती है। और इस तरह मैं सबको अच्छी तरह फेंट दूँगी। मैंने 4 कप चावल लिया था और 2 कप मैंने चना का दाल, जितना भी आप चावल लीजिए उससे हाफ आपको चना का दाल लेना है। और चना के दाल के साथ आवश्यकता अनुसार 1 चम्मच अगर आप चाहें तो उड़द की दाल को ले सकते हैं। 1 चम्मच उड़द के दाल को भी लेके उसे अच्छी तरह सॉक कर दीजिए धो के, और सुबह पानी को डिस्कार्ड करके उसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लीजिए। इसके बाद इसे फर्मेंट करने की आवश्यकता नहीं है। सब्जी आप किसी भी तरह का बना लीजिए, छोला बना लीजिए, छोले बना लीजिए, या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाइए। मैं इसे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ सर्व करूँगी। और इसमें जीरा नमक मैंने डाल दिया है, पिंच और हल्दी भी डाल दीजिए, और अंदाज के अनुसार इसमें बस पानी मिलाइए। बैटर ऐसा होना चाहिए जैसे हम लोग पुआ का जैसा घोल बनाते हैं वैसा ही होना चाहिए। अगर आप चाहें, बहुत से लोग अदरक और लहसुन भी इसमें डालते हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इसे मैंने इसी तरह एटीटीज रखा है क्योंकि बहुत से लोग अदरक लहसुन नहीं खाते हैं। और इसी तरह ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल पूड़ी के जैसे देखिए फूल जाती है। देखिए मेरी रेसिपी को देखिए आप लोग, एकदम अच्छी तरह से पूड़ी के जैसे फूल गई है। और इसी तरह से मैं दूसरी को भी छान के दिखाऊंगी। तेल को गर्म करने के बाद उसे मीडियम टू लो कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी जो हमने जो इसे तल रहे हैं वो अच्छी तरह तले। बहुत हाई टेम्परेचर पर तलने से इसे अच्छी तरह से फूलेगा नहीं, अच्छी तरह से फूलेगा नहीं, इसलिए जब भी इसे तलिए तो मीडियम टू लो पर ही तलिए। और मीडियम टू लो पर तलने के बाद इसे अच्छी तरह से पलट दीजिए, पलट के दोनों तरफ से उलट पलट करिए, ये पूरा फूल जाएगा बिल्कुल पूड़ी के जैसा। अगर आपको आवश्यकता लगे कि बहुत गाढ़ी घोलो तो पानी मिलाइए, अन्यथा पानी मत मिलाइए। ज़्यादा पतली हो जाने के बाद टेस्टी तो लगेगा तब पर भी, लेकिन उसमें कुरकुरापन ज़्यादा आएगा, लेकिन वो तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए इसे बस मीडियम, जैसे हम लोग पुआ बनाते हैं उसी तरह का मीडियम बैटर रखिए। देखिए हमारी सारी जो है फूल जा रही है और 1-1 मिनट में तला के बिल्कुल तैयार हो जाती है दोस्तों। मुश्किल से आपको एक जो हम डालेंगे बैटर को, उसे तल के निकालने में मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। बहुत ही टेस्टी दम की रेसिपी होती है, इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल पूड़ी जैसी फूल जाती है और एकदम सॉफ्ट रहती है। इसे जब भी आप खाइए, बनाइए और गरम गरम खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने 4 कप लिया था, उसमें से आराम से 4 से 5 आदमी नाश्ता कर सकते हैं दोस्तों। इसे छोले के साथ भी आप परोस सकते हैं। ये रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा दोस्तों, बेल दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, देश और देश के बाहर जो लोग भी मेरे इस चैनल को देखते हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। आप लोग के सहयोग से ही मैं इस चैनल को चला पा रही हूँ। देखिए मैंने फिर से डाला है, एकदम बहुत ही अच्छे बनेंगे दोस्तों। बीच बीच में तेल को थोड़ा गर्म कीजिए और उसके बाद मीडियम कर दीजिएगा, और उसमें ही डालिए, एकदम पूड़ी के जैसा फूलता है और इतना स्वादिष्ट लगता है कि मैं बता रही हूँ। और ज़्यादा देखिए तेल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। और देखिए अब मैंने इसे आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ सर्व किया है फ्रेंड, और हमारी ये चावल और दाल से बनी मज़ेदार रेसिपी एकदम रेडी टू ईट है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चावल और दाल से बनी ये पूड़ी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा दोस्तों। अब मुझे आज्ञा दीजिए, टिल देन बाय बाय।